नमस्कार दोस्तों, चलिए मैं आज आपको स्क्वायर बनाना सिखाता हूँ। शॉर्टकट बिल्कुल बहुत इजी तरीके से स्क्वायर कैसे बना सकते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले एक बेसिक काम आपको करना है, आपको एक से तीस तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। एक से तीस तक के आपको स्क्वायर अगर लर्न है तो आप इजीली 30 से ऊपर के जितने भी स्क्वायर आप बनाना चाहें बहुत ईजिली बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको 31 से 80 तक स्क्वायर बना रहे हैं तो क्या करेंगे, आप एक बेस नंबर मानेंगे, कितना बेस नंबर मानेंगे 50। साथ में 50 का एक दूसरा नंबर मानेंगे 25। क्यों मानेंगे, 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 2500 में 2 जीरो छोड़ दो इतना रहेगा 25। बस आपको ये दो नंबर याद करने केवल किसके लिए, 31 से 80 के लिए। इसके अलावा कुछ भी लर्न नहीं करना, कुछ भी आपको याद नहीं रखना। हाँ, 30 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे ABCD की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट आपको ABCD आपको याद होनी चाहिए जेड तक। सेम वही वर्क है मेरे पास, सीखेगा। अब कैसे बनाते हैं, सबसे पहले 49, ये बताओ 49 बेस जो अपन ने माना 50 उससे ज़्यादा है या कम है, 49 50 से ज़्यादा है या कम है, कम है, कितना, एक। तो तुरंत 25 के पास जाओ और एक घटा दो, जितना कम उतना कम कर दो, कितना बचा 24। अब कम कितना किया, एक। अब इस एक का स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है। दो को भी क्या लिखोगे इसको, 01, और 01 को कहाँ क्या करो उसके पीछे चिपका दो, तो ये क्या हो गया 24 01। तो यही हमारा क्या है, स्क्वायर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें 48, बताओ 50 से ज़्यादा है कम, कम, कितना कम है, दो कम है। तो 25 के पास गए, दो कम कर दिया, कितना बचा बेटा 23। दो का स्क्वायर कितना होता है 4, पर दो अंकों में लिखना था तो क्या लिखा 04। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं एक बार 46, ये बताओ 46 50 से ज़्यादा या कम, कम या ज़्यादा, कम, कितना 4। तो 25 के पास गए, 4 लेस कर दिया, अब 4 लेस के तो कितना बचा 21, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। दो अंकों में चाहिए था, चिपका दो उसके पीछे, तो ये क्या हो गया 2116। ठीक है, देखिए 44 25 ज़्यादा 50 से ज़्यादा, कम, कम, कितना 6। तो 25 में 6 घटा दो कितना बचा 19, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक है, जैसे 42 कितना कम है, 8 कम है, तो 25 में से 8 गया तो कितना बचा 17, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है 38, देखिएगा 50 से ज़्यादा या कम, कम, कितना 12। तो 25 में से 12 क्या करेंगे आपके बाद, लेस करेंगे, 12 लेस है तो कितना बचा 13। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सुनो, अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, कितना होता है 144। अब मुझे चाहिए थे दो अंक, आ कितने गए 3 अंक, तो क्या करूँगा पीछे के दो अंकों को छोड़ दूंगा और बाकी जो बचा उसे जोड़ दूंगा, तो कितना हो गया 1444। ठीक है, एक और देख लो 36। ठीक है, अब ये 50 से कितना कम है, ये 50 से 14 कम है, तो 14 घटा दिया कितना बचा 11। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो दो अंकों को छोड़ दो बाकी को जोड़ दो, कितना आ गया 1296। तो ये सब स्क्वायर हो गए हमारे 50 से कम, जो हम बहुत इजीली बना सकते हैं। अगर हम बात करें 50 से ऊपर के स्क्वायर की तो हम कैसे करेंगे वो देखिएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, बस क्या डिफरेंस आएगा कि अभी हमने लेस किया था क्योंकि 50 से कम था, अब 50 से ज्यादा आएगा तो क्या कर देंगे उसको ऐड कर देंगे। देखो कैसे, जैसे 52, अब बताओ 52 50 से ज्यादा या कम, ज्यादा, कितना 2, तो 25 के पास जाओ, आपके पास 2 घटा दो 27, 2 का स्क्वायर 04। ठीक है, जैसे 54 कितना ज्यादा 4 जोड़ दो 2504 29, 4 का स्क्वायर 16, क्या कहा था, तो हमको भी लिखना है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। 56, अब आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, 25 में 6 जोड़ा 31, 6 का स्क्वायर 36। 62, 25 में 12 जोड़ा, 12 क्यों जोड़ा क्योंकि 50 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है ना, अब जोड़ा तो कितना आया 37, 12 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 144, 3844 ये आ गया। तो इस तरह से हम बेसिकली 50 से ऊपर के और नीचे के जो स्क्वायर बनाना चाहें हम बहुत ईजिली बना सकते हैं। अब बात करते हैं, चलो ये तो बेस हो गया जब 50 के, यानी 50 के जो नज़दीक है उनकी बात करो, लेकिन मैं 50 से ऊपर की बात करूँ यानी 100 वाले बेस की बात करूँ तो कैसे स्क्वायर बनाएंगे वो देखिएगा आप। तो जैसे अभी हमने 50 के बेस के लिए 25 एक दूसरा नंबर याद किया, 100 के लिए ऐसा कुछ भी याद रखने की नीड नहीं है। कैसे, जैसे देखो ये बहुत ही ज्यादा इजी पड़ेगा हमारे लिए। जैसे मान लीजिए आपको 102 का स्क्वायर बनाना है, सबसे पहले बेस क्या मानोगे, बेस मानेंगे 100। अब सेम वही कॉन्सेप्ट, ज्यादा है कम वाला केस। अब 102 100 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2। तो क्या करो आपकी बार, पहले तो 25 में जोड़ते थे, आपकी बार खुद में ही जोड़ना है, खुद में से ही घटाना है, अगर कम है तो घटा दो, ज्यादा है तो जोड़ दो। अब 100 से कितना ज्यादा 2, जो 2 जोड़ दिया कितना हो गया 104। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और दो अंकों में क्या लिखते हैं 04। सेम ऐसी 106, 6 जोड़ दें कितना हो जाएगा 112,
छः का स्क्वायर कितना हो गया? 36। छः का स्क्वायर क्या हो गया? 36। आगे अगर हम बात करें 109, 109 में 9 जोड़ो, 118, 9 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 81। ठीक है, 112, 12 ज़्यादा है, 12 जोड़ा तो 124, 12 का स्क्वायर 144, कितने अंकों में चाहिए थे? दो आए, कितने? 3। क्या करोगे, पीछे दो अंकों को छोड़ दो, एक को जोड़ दो, तो 125। ठीक है, ये सब किससे हुए? ये सब सौ से ऊपर होगा, सौ से नीचे की तरफ जैसे बात करते हो तो 99। अभी बताओ 50 से ज़्यादा है कम, सॉरी 100 से ज़्यादा है कम, कम कितना? 1। तो अब की बार एक क्या कर दो, लेस कर दो, कितना हो गया? 98, और 1 का स्क्वायर 01, 96। कितना कम है? 4 कम है, 4 लेस कर दिया 92, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, जिसे 94 लेते, 94। कितना कम है? 6, तो 94 माइनस 6 कितना हो गया? 88, और 6 का स्क्वायर 36। कितना कम है? 12, 76, 12 का स्क्वायर 144, 7744। एक और देखते हैं, 84 माइनस 16, 68, 16 का स्क्वायर 256, 7056। ठीक है, तो ये स्क्वायर थे हमारे 50 और 25 बेस मानकर। इसके आगे भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 30 तक लर्न करते हैं तो केवल आप 130 तक बहुत इजीली बना सकते हैं। अगर लेकिन आपको 130 यानी 1000 तक भी बनाने हैं, 1000, 5000, 10000 तक बनाने हैं, तो एटलीस्ट आपको 50 तक के स्क्वायर लर्न होने ही चाहिए, वो बेसिक नीड है हमारी। ठीक है, तो क्लास ओवर करते हैं आज।